सर, गुड मॉर्निंग। आइए, अनीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज अपन बनाने जा रहे हैं टिंडे की सब्जी। और टिंडे की सब्जी में अपन डालेंगे चने की दाल। चने की दाल और टिंडे की सब्जी बना रहे हैं अपन। और इसके लिए सामग्री चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, नमक और तेल। चलिए, अपनी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें अपन डालेंगे तेल। मैं इससे चार डुबले तेल डाल देती हूँ तो मेरा 1.5 चम्मच हो जाता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा। और 2-3 में तेज पत्ता लूंगी, इससे सब्जी अच्छी बनती है, स्वादिष्ट स्वाद आ जाता है सब्जी में। सबसे पहले जीरा डाल के देखूंगी, थोड़ा सा तेल गर्म हो गया तो। हाँ, अपना तेल गर्म हो चुका है। तेज पत्ते के पत्ते डालूंगी। छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा, प्याज का पेस्ट, तो 12 मिनट तक भूनने देंगे। देखिए, ये जो टिंडा है, इस टिंडे को अपन ऐसे भी छील सकते हैं। ये टिंडा कड़क नहीं है, नरम ही टिंडा है और ऐसे भी छील सकते हैं। मैंने पूरे टिंडों को छील लिए है, सिर्फ इस तरह से छीले हुए हैं। कोमल टिंडे हैं, ज्यादा कड़क वाले नहीं है। ये देखिए, ऐसे ऊपर उसकी गंदगी निकल जाती है। और इस टिंडा को पानी में डाल देंगी। इसमें डालेंगे अपन अदरक लहसुन का पेस्ट। चने की दाल को मैंने रात भर भिजा के नहीं रखा है, अभी सवेरे उठी थी, चाय पीने के पहले भिजा के रखी थी। देखिए, गल चुकी है अपनी, ज्यादा टाइम नहीं लेती है। देखिए, टूट रही है नखून से। मेरे पास कड़ी पत्ता पड़ा हुआ था, ये भी मैं डाल देती, इससे भी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। अब अपन डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको तेल में सेक लेंगे। टमाटर का पेस्ट बना के रखा था मैंने,
टमाटर पेस्ट डालेंगे, उसी पॉट को धोकर पानी डाल देंगे और इन सब मसालों को एक मिनट के लिए ढक के रखेंगे। एक मिनट के बाद देखेंगे थाली निकाल के अपनी ग्रेवी पक चुकी है, इसमें सारे मसाले पक चुके हैं। अब अपन डालेंगे कटे हुए टिंडे, इसको ढेमसे भी कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसी में डाल देंगे चने की दाल, इस चने की दाल को मैंने धो के रखी थी। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब इसको थोड़ा सा तेल में सेकने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए। चलिए 2 मिनट के बाद देखेंगे अपनी सब्जी के हैं। अभी अपनी सब्जी पकने की है, अब इसमें डालेंगे पानी, ज्यादा पानी नहीं डालेगा। पानी डालने के बाद में इसको अपन रख देंगे थोड़ी देर के लिए सीजने के लिए, और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे। चलिए अब सब्जी देखेंगे अपनी पकी है क्या। तो देखिए हाँ, अपनी सब्जी पक चुकी है। देखिए टुकड़े हो चुके हैं इसके, सब पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे अपन कटा हुआ हरा धनिया, आपको मेरी ये टिंडे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू।